और झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि आदित्य विक्रम जायसवाल आज छोटा नागपुर डायोसिस की युवा मंच DCVIM समिति के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर गोम के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित जुबली हॉकी लीग में विशिष्ट अतिथि के सह वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर प्रतिभागी खिलाड़ियों से मिलकर उन सबों का उत्साह वर्धन भी किया और जुबली हॉकी लीग के मुख्य अतिथि छोटा नागपुर डायोसिस के बिशप बीबी बास्की एवं संयोजक एंथोनी खाखा मौजूद थे। और इस अवसर पर आदित्य विक्रम जायसवाल ने सभी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तथा कहा कि छोटा नागपुर डायोसिस की युवा मंच DCVIM समिति को ऐसे भव्य आयोजन करने के लिए सबसे पहले बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं छोटा नागपुर डायोसिस के यूथ विंग DCVIM को बधाई देता हूँ कि ऐसा भव्य आयोजन हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन उनके द्वारा कराया गया है और तमाम झारखंड से टीम, चाहे वो इटकी हो, मोरू हो, चाईबासा हो, हर एक क्षेत्र से हॉकी की टीम आए। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलता है और देश का नाम आगे बढ़ाने के लिए एक मानसिक स्थिति मजबूत होती है। तो मैं बधाई देता हूँ छोटा नागपुर डायोसिस को। आने वाले समय में मैं यही कहूँगा, खेलेगा झारखंड तभी बढ़ेगा झारखंड। आज मेजर ध्यानचंद को याद करना चाहिए, मारंग गोम के जयपाल सिंह जी को याद करना चाहिए, उनके वजह से पहला गोल्ड मेडल मिला था हिंदुस्तान को। टोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए जितने भी युवा हैं। और यही कहूँगा, योद्धा और खिलाड़ी वही होता है जो लहरों को चीर के आगे बढ़ता है।